हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग। सो टुडे वी बी लुकिंग इन टू सेक्शन 36 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, सेक्शन 36 देखेंगे आज हम लोग देखेंगे प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर व्हाइल मेकिंग अरेस्ट। ठीक है, जब ऑफिसर आपको अरेस्ट कर रहा है तो उसको किन किन ड्यूटीज का पालन करना पड़ेगा, ये हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। एवरी पुलिस ऑफिसर व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल, ये जो ए और बी और सी है ये नॉन नेगोशिएबल है, करना ही पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को। ठीक है, बी एन एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम व्हिच विल फैसिलिटेट इजी आइडेंटिफिकेशन। उसको अपने नाम का एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन लगा के चलना पड़ेगा। ठीक है, एक एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन लगा के चलना पड़ेगा ताकि उसको लोग पहचान सके कि किसने अरेस्ट करा है। ठीक है, प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, एक अरेस्ट मेमो बनाना पड़ेगा उसको। अरेस्ट मेमो का मतलब ये हो गया कि एक फॉर्म होगा, ठीक है, उसमें आपको फिल करनी पड़ेगी चीजें। ठीक है, एंड दैट जो अरेस्ट मेमो होगा दैट विल बी अटेस्टेड, अटेस्टेड मतलब साइन। ठीक, अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु इज अ मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ अ पर्सन अटेस्टेड अरेस्टेड और रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ अस लोकैलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड। ठीक है, जो साइन होगा, जो अरेस्ट मेमो बनाया गया उस पर साइन कौन करेगा, या तो जिस फैमिली से जो आदमी अरेस्ट हो रहा है उस फैमिली का एक मेंबर, ठीक है, या सोसाइटी का कोई भी रिस्पेक्टेबल आदमी। ठीक है, एंड नाउ और कौन साइन करेगा, द पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड। ठीक है, काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर अरेस्ट मेमो नहीं बनाया देन दिस इज अ वेरी गुड ग्राउंड फॉर बेल। ठीक है, inform the person arrested unless the memo is attested by a person unless the memo is attested by a member of his family that he has a right to have a relative or a friend or any other person named by him to be informed of his arrest. Now agar arrest memo is not been signed by the family member of the person arrested, then what he can do is, then the police officer is duty bound to tell him ki he has the right to inform, who the person arrested has the right to inform any of his relative, any of his friend, apne friend ya relative ko inform kar de ki kis liye wo arrest ho raha hai. theek hai, informed of his arrest, ki wo arrest kara gaya hai ye unke friend ya relative ko bataya jaye. theek hai, agar koi family member us memo ko sign kar raha hai tab batane ki zarurat nahi, family members ko pata hi hai. agar family member nahi hai मेमो को अटेस्ट करार कर रहे हैं तो देन ही हैज द राइट कि उसको ये चीज उसके फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव को बताया जाए कि ही हैज बीन अरेस्टेड. ठीक है, दिस इज अ प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट. इतना ये सेक्शन 36 थोड़ा इंपॉर्टेंट है. इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि काउंटर साइंड बाय पर्सन अरेस्टेड और जो अरेस्ट करा गया वो भी साइन करेगा एंड फैमिली मेंबर में से भी कोई एक आदमी साइन करेगा. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड.